हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ, बिकॉज पीयूष पता नहीं उठ के जल्दी जल्दी छत पे जा चुका है, पतंग उड़ा रहा है, पतंगबाजी कर रहा है और इतनी तेज तेज चीख रहा है ना, पतंग काट दी, ये कर दी, वो कर दी। तो मेरा ध्यान वहीं है, मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप लोग आज यही कमेंट्स कर रहे हो कि पीयूष को पहाड़े सिखाओ, पीयूष को पहाड़े सिखाओ। पहाड़े क्या सिखाओ, वो उठते ही पतंग उड़ाने में लगा हुआ है। तो चल चलते हैं, उसको थोड़ा बहुत डांटते हैं। क्या है रे, सुबह सुबह और कोई काम नहीं तेरे को, चीखने में लगा हुआ है, पहाड़े याद कर ले इससे बढ़िया है रे। तेरे को भी कोई काम नहीं है सुबह सुबह, तो आते पहाड़े आते हैं। वो पहाड़े वाली बात गाइज मेरे दिल पे लग चुकी है, अब मैं इसको सिखा के रहूंगा, क्योंकि लोग मुझे बोल रहे कि तुम इसको पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलते, तुम इसको पहाड़े तक नहीं आते इसको, तो बहुत बुरा लगा गाइज। नेक्स्ट टाइम जब मिलेगा ना तो पूरे 50 तक पहाड़े याद होनी चाहिए और सुना रहे, ताकि ताकि जो भी इज्जत गई है वो इज्जत वापस आए। पागल हो गया 50 तक, उन्होंने जन्म उन्होंने कहा था 20 तक होनी चाहिए, फ्लैग बिस्टर ने। अरे 20 तक कैसे सुनो, उन्होंने वीडियो में याद कर भी रहे, जा याद कर, चल और पढ़ाई पे ध्यान दे अपना। पीयूष अब एक काम कर, जाके कॉपी लेके आ, पेन लेके आ और अपनी इंग्लिश की बोले आ। भाई डेली का एक पहाड़ा भी करेगा कितने हो जाएंगे बताए, तेरे को 365 डेज में 365 पहाड़े आ जाएंगे। बाय द वे, ये वाला आर्टवर्क आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइबर ने भेजा था, पूजा केसरी नाम है उनका, मैंने आर्ट वर्ल्ड चैनल पे अनबॉक्स किया था, दिखाता हूँ पास्ट। इतना फाइन वर्क है, इतना मस्त है, ये देखो कितना मस्त लग रहा है गाइस। तो गाइस आज हम सस्ती ट्यूशन पढ़ेंगे सौरदा से, क्या तो एक दिन का 150 रुपया लेगा, बट मैं 150 रुपया भी नहीं देगा। पहले पहाड़े याद करिए, कह रहा 13 3 जा 34, मतलब इतनी बेइज्जती महसूस हुई ना मुझे सबके सामने जब इसने बोला कि 13, यार ये तो कोई भी कोई मन में मल्टीप्लाई करके बता देगा कि 39 होता है। हाँ डाल, अच्छा लग रहा है, पहाड़ी भी लगेगा यार। कस्टम मशाब क्या पहाड़ी में बोलेंगे, कोई बात नहीं, तो तेरा का पहाड़ा याद कर दे बस, ठीक है, तेरा आज यही काम है, उसके बाद फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे। पेन को पैर पे क्यों मार रहा है, पेन विद्या होती है, पैर पे नहीं मारते। नहीं, 72 में 13 प्लस करना है, 13 7 जा तो हो ही नहीं सकता, इतना मेरे को भी याद है, हो ही नहीं सकता, कहीं मेरा 98 ही गलत है, पूरी टेबल में झोले है, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगा। ओलू आप भी टेबल याद करोगे, कुछ भी मतलब कुछ भी कंटेंट के लिए कुछ भी करोगे, ले टेबल याद करो, याद कर लो टेबल, खुद तो कर ले, ये टेबल याद कर, 39 13 13 2 26 13 3 39। हाथ क्यों रखा है वहाँ, देगी मत, हाथ रखने से क्या होगा, 35 65 13 6 78, हमेशा याद रहना चाहिए भाई, कल भी सुनूंगा तेरे से मैं। बड़े कष्ट के बाद मैंने 13 का 13 की टेबल सुना दी है, अब बारी है इंग्लिश के पीरियड की, लो सौदा इसको पकड़ो, मेरा हाथ तक गया। तो आज की पढ़ाई बहुत हो गई है, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत मैंने इसको पढ़ाया, थोड़ा बेसिक बताया और पहाड़ा भी 13 और 14 का आ चुका है, कल बेटा सुनूंगा दोबारा। फिलहाल चलते लंच करने के लिए, बुलावा आ चुका है। क्या बनाए मम्मी जी, हाँ। दाल चावल रात के लिए बना के जाओगे, हाँ रोटी तो मैं बना लूंगा, बना लूंगा, बना के दिखाऊंगा भाई। तो एक्चुअली मम्मी जी और पापा जी आज जा रहे हैं बाहर किसी काम से, तो हम ही रहेंगे घर में अब 2 दिन अकेले, खाना पीना हमको ही बनाना पड़ेगा, तो देखना अब ब्लॉग में मजा आएगा। अब होगी हमारी अग्नि परीक्षा की, बड़ी मी और बड़े पापा के घर में ना होने से क्या क्या होता है, बड़ी मी ब्लॉग देखते रहना। हाँ, कि हम सरवाइव कर पाते हैं या नहीं। बैटल ग्राउंड हो रहेगा यार। टेंशन मत लेना, हम घर संभाल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से संभालेंगे घर, ठीक है, संभाल ले, सुनो भैया का ध्यान रखना। चलो बाइक वाइक निकालते हैं और छोड़ के आते हैं पापा जी मम्मी को। अरे 2 बाइक हैं, उस पे 3 बंदे आराम से आ जाते हैं, इसमें पीयूष और मैं चल पड़ेंगे ना, इसपे पीयूष और मैं चल पड़ेंगे। पीयूषी तेरा कैंसिल हो गया, तू नहीं आ रहा। ऐसी चला, अरे नहीं पापा जी मैं दे रहा हूँ, ये वाले डालो, नहीं ये मैं जो मैंने डाल रखे हैं, ये नहीं, ये ऐसा ही नहीं लगता, ये लो ये डालो, अरे ये डालो ना, ये पापा जी अच्छे हैं, ये लो, कोई नहीं मैं ऐसे ही डाल लूँगा, बहुत टाइट है पापा जी, ये सॉफ्ट नहीं है भाई साहब, इनमें तो चुभ रहे हैं पैर, कैसे डालते हैं पापा जी इनको, पैर तो सबके सेम है, साहिल के भी, मेरे भी, पापा जी के भी। ओए भाई 12 मिलियन की साइकिल ऐसे करेगा, 12 मिलियन की वैल्यू है इसकी, उसकी 3 मिलियन की है भाई, मेरे को चुभ रहे हैं जूते तगड़े वाले, पीछे से निशान पड़ गया। पापा जी डालते कैसे हैं यार, पापा जी आपको चुभते नहीं थे पीछे से, यहाँ चुभते नहीं थे आपको, मेरे को निशान पड़ गया डालते ही। अच्छा हेलो, 200 किलोमीटर दूर से लेकर आया हूँ, आप हेलमेट उतार के दिखा थोड़ा सा इसको, देखो जिसको आप सारे दिन फोन में देते हैं, भैया आप साथ खड़े हैं यार। तो पीयूष कह रहा है कि मैं साइकिल पे आता हूँ, पीछे पीछे मम्मी मना कर रही है। अच्छा हाँ ये तो छोटा सा ही है, टंकी पे पेट्रोल भर दियो, थोड़ा पेट्रोल भर दियो। तो पापा जी जाएंगे मेरे साथ में, क्या हुआ था, सब कुछ बंद क्यों है, अच्छा संडे है आज, अरे मैं भूल ही गया था, देख ले मम्मी कितनी चिंता करती है तेरी, देख ले कह के जा रही है मुझे दे दूंगा, कोई बात नहीं बाहर जाने से तो ठीक है। गाइस लिटरली मेरे पैर छिल चुके हैं, देखो
तो आ चुकी है उत्तराखंड की बस, कृष्णा भी आ चुकी है दिल्ली वाली। अरे आराम से पीयूसी, कहाँ भाग रहा है? ठीक है भाई, दिल्ली आप दिल्ली चले दिल्ली। ये वाली बस है जिसमें मम्मी और पापा जी हैं, उस साइड बैठे हैं, सीट मिल चुकी है क्योंकि बुकिंग करा दी थी हमने। अरे हाँ, मतलब अब एक्साइटमेंट रहती है ना, गेट खोलते ही और यू आएगा, फिर हम बोलेंगे सौदा आगे हैं, ओली उससे मिलेंगे, वो उछलेगा, एक अलग ही मतलब फीलिंग आती है, सस्पेंस रहता है। हाँ पहले से नॉर्मल, घर जाओ अंदर जाओ भाई, देखो खड़ा हुआ, देख खड़ा हुआ, पक्की बात है भाई, पोपट हो गया अपना। जो आपने बोला सब पोपट हो गया अपना भाई, खतरनाक वाली बेइज्जती, इतनी खतरनाक बेइज्जती आज तक नहीं हुई होगी अपनी। मम्मी जी और पापा जी जा चुके हैं, अब घर पे राज चलेगा, सोनू भैया का, बिकॉज सोनू भैया सबसे बड़े हैं यहाँ पे। सोनू भैया बड़े मी, सोनू भैया को घर की जिम्मेवारी सौंप कर गई थी, तो आज से हम सोनू भैया को घर का पीएम स्थापित करते हैं। एक दिन का सीएम, एक दिन का सीएम, दो दिन का, दो दिन का। खाना लेने के लिए हमने साहिल को भेज दिया, वो ड्यूक का जिद कर रहा था तो ड्यूक दे ही दी उसको। एक्चुअली उसको आदत नहीं है ना मार्केट में भीड़ में ले जाने की, इसलिए मना कर रहे थे, बट कोई बात नहीं, हेलमेट लगा के भेज दिया है। बट भी उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को साहिल पे भरोसा नहीं है और दूसरी बाइक पे आप पे भरोसा नहीं है। अच्छा वो छोटी वाली पे, छोटी वाली बच्ची वाली पे। तो ही मम्मी जी का फोन आया कि दूध ले आ, हम तो दूध लाना ही भूल गए थे, दूध ले आ जा यार, जल्दी जा, अंधेरा होने वाला है। तो 200 रुपया पकड़ ले। हाँ। 200 रुपया दे और 150 रुपया काटो ब्रेकलिंग का। गाइस एक बात है जो कि मुझे आपको बोलनी है, तो प्लीज समझना इस बात को, सुबह से 10 लोग आ गए मेरे घर पे वीडियो बनाने के लिए, मेरे साथ व्लॉग बनाने के लिए, मेरे घर की वीडियो बना रहे हैं नीचे से, मैं देख रहा हूँ, मुझे बुला रहे हैं मेरे साथ में व्लॉग बना रहे हैं, मैं अपना खुद का काम नहीं कर पा रहा, मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ नीचे से कोई आ जाता है, और जब से फ्लाइंग बीच सर आए हैं तब से तो और भी ज़्यादा हो गया, मतलब पूरा दिन भर कोई ना कोई आता ही रहता है। तो प्लीज़ गाइस घर पे ऐसे मत आया करो, और स्पेशली वीडियो के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, और प्रमोशन के लिए, दो चीज़ के लिए तो सभी आते हैं, वीडियो बनाएंगे या प्रमोशन करेंगे। अगर आपको वीडियो बनानी है अपना कुछ कंटेंट दिखाओ, खुद अपना क्रिएट करो कुछ, हमारे साथ बना के आपके एक दिन व्यूज आ जाएंगे, दो दिन आएंगे, बट एट द एंड आपको दिखाना पड़ेगा आपके पास क्या कंटेंट है, क्योंकि मेरे को भी काम होते हैं गाइज, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मेरे को भी वीडियो बनानी होती है। तो प्लीज गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज प्लीज घर पे मत आया करो, बाहर आप लोग मिलते हो, जहाँ भी मिलते हो मैं रुकता हूँ, मिलता हूँ अच्छे से, बट प्लीज एक बात है कि घर पे नहीं आया करो, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं भी पूरा दिन काम करता रहता हूँ, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इस बात पे मुझे काफी लोग हेट करेंगे, काफी लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे, क्या बोलेंगे, बट जिस पे बीतती है ना उसी को पता होता है। बाय द वे अभी वो चाट वाले भैया आए जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैं पूरे शाम को वेट कर रहा था, लेकिन अब आए रात को, चलते जल्दी चलते हैं और एक टिक्की खाते हैं। पीयूष ऑलरेडी यहीं पहुंच गया है, क्या खाएगा? टिक्की, बना दो अंकल दो टिक्की, वो मत डालना उसके ऊपर से जो वो मीठा डालते हो ना, वो मत डालना, हमको चटपटी चाहिए, सिर्फ चटपटी। हम कल भी शाम को वेट कर रहे थे, आप कल शाम को भी नहीं आए, आज भी वेट कर रहे थे, अब देखो रात को आए हो आप। अभी ये पूछ रहे मेरे से, कह रहे काम धंधा कैसे चल रहा है? हमारा ना काम चल रहा है ना धंधा चल रहा है, हमारी सिर्फ व्लॉगिंग चल रही है। लटका, हाँ लटका, लटका के दिखा, गिर मत जाइए, गिरा मत दियो बस, अरे नहीं गिरेगा वो, देख लटक गया भाई देख। और विनोद, हाँ जा जा तेरी टिक्की मैं भी खा लूंगा, तेरी टिक्की जा 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 जा, ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा। तो चलो गाइस अपना तो आ गया, खाते हैं, घर जाके खाएं, पैसे देता हूँ मैं इनको, जो घर जाके खाएंगे, पकड़ियो इसको एक बार, इसको पकड़ ले एक बार, खा लियो, खा मत लियो, मैं बता रहा हूँ कहीं खा ले, ये सही लगता है, गोलू मटोलू सा है, क्यूट सा, कल वाली देखी थी क्या था उसमें, फ्लाइंग फिशर का वो जो एयर रोकी थी उसमें। हाँ भाई सारी वीडियो देख रहे हैं, देख ले पीयूष, रात को खेला था तुमने एक एक गेम। हाँ 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 सबकी फोटू पहुंच जाएगी अभी। हाँ चलो थैंक यू सो मच, खाया तो नहीं ना? ठीक है विनोद, ठीक है सर, थैंक यू। तो अपन लेके जाते हुए अपने घर की साइड, फाइनली बहुत टेस्टी टेस्टी। तो अभी मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, छोटे भाई के होने से ये फायदा होता है, इसमें ना काफी तगड़ी वाली मिर्च हो रही है, तो पीयूष ने मुझे दे दिए, मेरे पास दो है, आराम से खाऊंगा भाई साहब। तो फिलहाल मम्मी के कहने पे मैंने इसको आईपैड दे दिया है, मम्मी कह रहे थे कि दे दियो, अब मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ, रोटी वगैरह थोड़ी देर में बना लेंगे क्योंकि अभी तो मैंने टिक्की वगैरह खा लिया। तो अभी तीनों भाइयों ने खाना खा लिया है, सिर्फ मैंने नहीं खाया है बिकॉज मैं कर रहा था एडिटिंग, तो अभी एडिटिंग कंप्लीट हुई है और ये खाना पीना खा के आ भी चुके, रोटी राटी बना ली, फिलहाल ये गेम खेल रहे हैं, देखो ये होती है लाइफ, तो और हम यहाँ एडिटिंग पे लगे हुए हैं, कोई बात नहीं व्लॉग आएगा जल्दी। तो गाइस बात ऐसी है, मम्मी पापा जी है नहीं, तो हम चिल मार रहे थे अभी तक, पता नहीं वीडियोज देखे जा रहे थे, और टाइम देखो 12 बज चुके हैं, नहीं तो यूजली पीयूष तो 10 बजे से आता था, 9-10 बजे, और कल स्कूल जाना है इसको सुबह जल्दी उठ के, है रे
जल्दी जाके सो जा अब। छुट्टी नहीं मारनी? हाँ, कहीं सोच रहा है छुट्टी मारूंगा। मम्मी को बता दूंगा, पेन को मुंह से निकाल और जाके सो जा। ले जाओ इसको। और हाँ, मैंने अभी तक डिनर नहीं किया, मैं एडिटिंग पे ही लगा हुआ था, उसके बाद फिर इनके साथ में लग गया। अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगा नीचे रोटी बना के, फिर रोटी खाऊंगा। और मैं तो लेट होता हूँ, मेरा तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सुबह जल्दी उठ जाना 6 बजे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। ओके, रोटी तो है इसमें दो, किसने बनाई रोटी? यही खा लेता हूँ मैं, दो ही। हाँ, दो काफी है। मेरे को लग रहा था कि मुझे रोटी बनानी पड़ेगी, बट दो ऑलरेडी मिल गई, तो यहाँ पे बस है सब्जी रोटी दही, तो लेके चलते हैं ऊपर, सुबह बनाएंगे अब। तो अभी टाइम हो रहा है 1:18 और अब जाके अपना व्लॉग अपलोड हुआ है। पूरे 15 GB का व्लॉग बना था, 13 मिनट का, बट मैं बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में रेंडर करता हूँ, तो अराउंड 1-2 घंटे लग जाते हैं उसको अपलोड होने में। 10 GB का तो मिनिमम एडिट हो ही रहा है मैकबुक में, बट ये प्रॉब्लम आ रही है कि फाइल बहुत लंबी बन रही है, अराउंड 10 GB की तो बनी रही है, बट चलो जो भी है, यहाँ पे तो वाईफाई अपलोड कर ही देंगे। एनीवेज, इस व्लॉग को करता हूँ एंड। नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है, पीयूष को स्कूल जाना है, बहुत काम है, क्योंकि मम्मी पापा तो है नहीं, तो सब घर का खाना पीना सब देखना पड़ेगा, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देख लेना। फिलहाल इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा पूरा खाएगा, देख 20 रुपए। अच्छा।